सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं एक 25 बाय 25 फीट में घर की शानदार डिज़ाइन। इस वीडियो में हम इसका 3D प्लान दिखाएंगे और साथ ही साथ इसका हम 2D प्लान भी दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए इसी तरह के न्यू लेटेस्ट हाउस डिज़ाइन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप हमसे किसी और साइज़ का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें वहां से संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके 2D प्लान को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके 3D प्लान की ओर बढ़ते हैं। तो ये इसका 2D प्लान है, यहां पर आप देख सकते हैं हमने इसे 2BHK बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दो बेडरूम हमने दिए हुए हैं, एक टॉयलेट दिया हुआ है, उसके जस्ट पीछे हमने एक OTS दिया हुआ है और यहाँ पर हमने एक किचन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्टेयर को डिज़ाइन किया हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम कि रूम का साइज़ क्या रहने वाला है, बेडरूम का साइज़ तो हम आपके सामने मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साइज़ 11 फीट 10 इंच यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम माप लेते हैं ये यहाँ से लेकर इसकी चौड़ाई कितनी होने वाली है, तो यहाँ पर 12 फीट यहाँ पर देख सकते हैं 12 फीट इसकी चौड़ाई होने वाली है। अब दूसरे रूम की बात कर लेते हैं, तो दूसरा रूम भी हमारा सेम साइज़ का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे यहाँ तक हम मेज़र करेंगे तो ये 12 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर 11 फीट की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम टॉयलेट की, तो टॉयलेट की यहाँ पर लंबाई देखिए कितनी है, लंबाई यहाँ पर 5 फीट है यहाँ पर देख सकते हैं, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ पर 4 फीट 8 इंच यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कि हमने स्टेयर को कितने जगह में हमने चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने स्टेयर 6 फीट 8 इंच रखा हुआ है, और चौड़ाई की बात कर लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी 6 फीट 8 इंच यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस किचन का हमने साइज़ क्या रखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर इस किचन का साइज़ भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर 7 फीट यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 फीट, यानी 7 फीट इंटू 6 फीट पर हमने ये किचन रखा हुआ है, और बाकी हमने हॉल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने गेस्ट को बिठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डोर दिया हुआ है एंट्री के लिए, और ये किचन की एंट्री के लिए, ये टॉयलेट की एंट्री के लिए, और ये हो जाएगा हमारा बेडरूम की एंट्री के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2D प्लान क्रिएट हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम इसके 3D प्लान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलम डिटेल हो जाएगी, सारे कॉलम्स को हमने 9x9 इंच में रखा हुआ है और कुल 9 कॉलम आने वाले। तो ये हमारा 3D प्लान रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेम 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्टेप रखे हुए हैं 4 स्टेप, ताकि आप अंदर की ओर एंट्री कर सकें, और ये हमने जो प्लिंथ की हाइट दी हुई है 2 फीट 6 इंच रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर दो विंडो दिए हुए हैं, ये मेन गेट रखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए हम टॉप व्यू से देख लेते हैं, तो ये हमारा स्टेयर यहाँ पर आप देख सकते थे 2D प्लान में हमने जैसा कि देखा, उसी तरह हमने 3D प्लान में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन हमारी रहेगी, किचन के लिए वेंटिलेशन की किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद ये हमारा हॉल रहेगा, या यहाँ पर आप डाइनिंग हॉल या फिर आप गेस्ट हॉल के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी देख सकते हैं कि ये टॉयलेट हो जाएगी, टॉयलेट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके पीछे हमने दिया हुआ एक OTS, यहाँ से आप वेंटिलेशन ले सकते हैं, और इस बेडरूम में भी यहाँ पर वेंटिलेशन लगा सकते हैं ताकि उजाला वगैरह किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर दो बेडरूम मिलते हैं, दोनों बेडरूम का साइज़ यहाँ पर सेम रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलम डिटेल हो जाएगी, कॉलम तो यहाँ पर 9 कॉलम हमने दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कॉलम का स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो के पहले आप देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 3D प्लान हो जाएगा। 3D प्लान आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को हमारी लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आप सभी को एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।